दोस्तों, अगर आप भी एक फोन पे यूजर है तो आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जब अपने फोन पे में अकाउंट का बैलेंस चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहे, क्योंकि इस वीडियो में ये जो अकाउंट बैलेंस चेक करने का जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो ये प्रॉब्लम पहले बता दूँ क्यों आती है। तो जब अपने फोन पे ऐप अपडेट होती है उसके बाद आती है, या फिर आपका जो फोन पे में जो बैंक अकाउंट लिंक है वो उसका अगर सर्वर प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ सिंपल ही है। तो आपको सबसे पहले आपको करने के हो सो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेनी है। सो गाइस, प्ले स्टोर ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पे सर्च कर लेनी है फोन पे। सो गाइस, फोन पे सर्च करने के बाद अगर आपका फोन पे ऐप अपडेट नहीं है तो पहले इसे अपडेट कर लेनी है। सो गाइस, अपडेट करने के बाद ओपन करके देखनी है जो प्रॉब्लम है हो रही है या नहीं। आपका जो प्रॉब्लम मतलब आप जो अकाउंट का बैलेंस है वो चेक कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप फिर भी चेक नहीं कर पा रहे तो आपको यहाँ पे सिंपली फोन पे का जो ऐप इन्फो इसे आपको ओपन कर लेनी है। लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो पर ओपन कर लीजिए। सो गाइस, ऐप इन्फो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, क्लियर स्टोरेज एंड सॉरी स्टोरेज एंड कैसे का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको स्टोरेज एंड कैसे पर क्लिक करना है। सो स्टोरेज एंड कैसे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैचे। तो आपको सिंपली क्लियर कैचे पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो फोन पे का जो कैचे डेटा है इसे आपको क्लियर कर देनी है, स्टोरेज क्लियर नहीं करना है। तो आप इसे क्लियर करने के बाद देखनी है प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, तो आपका जो फोन पे में जो बैलेंस चेक करने का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुई या नहीं। सो गाइस, अगर आप ये जो मेथड है इसे करके भी सॉल्व नहीं होता तो आपको कहने क्या होगा, तो सिंपली आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेनी है। सो गाइस, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है चेक बैंक सर्वर। उसके बाद आपको यहाँ पे आप जो भी बैंक इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आप PNB इस्तेमाल करते हैं तो PNB लिख देनी है। उस अगर आप यूनाइटेड बैंक इस्तेमाल करते हैं तो UNI लिख देनी है। तो मैं तो ये SBI यूज करता हूँ तो मैं सिंपली SBI लिख देती हूँ। सो भाई, अपना बैंक का नेम लिखने के बाद इसे आपको सर्च कर लेनी है। सो गाइस, सर्च करने के बाद देखना है जो आपका जो बैंक का सर्वर है वो डाउन तो नहीं है, आप देख सकेंगे। अब ये जो सर्च करेंगे फर्स्ट जो वेबसाइट मिलेगा आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, मतलब आपका जो बैंक होगा यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद करंट प्रॉब्लम स्टेटस दिखाएगा। तो आपको सिंपली फर्स्ट जो वेबसाइट है इसे आपको ओपन कर लेनी है। सो गाइस, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा देगा यूजर रिपोर्ट्स इंडिकेटेड नो करंट प्रॉब्लम एट SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको प्रॉब्लम होगा यहाँ पे तो प्रॉब्लम दिखाएगा, मतलब सर्वर डाउन होगा तो यहाँ पे सर्वर डाउन लिखा दिखेगा। अगर सर्वर डाउन नहीं है तो आपका जो फोन पे ऐप है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कहने के होगा अपना जो फोन पे ऐप है इसे आपको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।